न्यूज़ 5M की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स सुमैया शरीन लाई थी, जो हमारे साथ बैठी है सामने। आज इनसे हम 15 सवाल पूछेंगे, जिन्हें इन्हें 10 सवाल का आंसर देना है। क्या नाम बताओ अपना? सुमैया शरीन फ्रॉम JKS कॉलेज एंड अभी हम 11th इंटरमीडिएट में, फर्स्ट ईयर में जी। ठीक है, तो आप रेडी हैं सवाल सुनने के लिए? जी हाँ। पहला सवाल है, सूरह फातिहा पहले पारे में है, इसमें एक रुकू और ये पहली मंजिल में है, क्या आप बता सकती हैं सूरह फातिहा का क्या मतलब है? जी, सूरह फातिहा का मतलब है आगाज करें। ओके, वेरी गुड। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई? जी, दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास। ओके, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा हरफ अलिफ इस्तेमाल हुआ है, जानती हैं आप? सबसे कम हरफ कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ज़ुआ। खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा ये नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक भी है, क्या खलील के माने बता सकती हैं? जी, अल्लाह का दोस्त। एक सवाल है हमारा, अलसमद। अलसमद के माने हैं हर चीज़ से बेनियाज, ये इसमें कुरान पाक के में सिर्फ एक सूरह में, उस सूरह का नाम बताएं? सूरह इखलास। कुरान पाक की मशहूर आयत आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला के कितने सफाती नाम आए? नहीं पता, सॉरी। इस्म मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? तारीफ के लायक। तारीफ के लायक। इंजाल के माने किसी चीज़ को एक ही दफ़ा नाजिल करना, तंजील का माने बताएं? थोड़ा थोड़ा करके नाजिल। ठीक है, आपको लगभग सारे सवाल का जवाब लगभग मालूम है, क्या आप इस्लामिक क्विज़ क्या कोई किताब वगैरह पढ़ती हैं? जी, कुछ इंटरेस्ट भी है अपना और एक चैनल है CSWO, तो उससे भी काफ़ी इंस्पायर है, मतलब बराबर देखते हैं उस चैनल को, तो उससे भी बहुत सारा मालूम आता है। वेरी गुड। कुरान की दो हरफों पर मुश्तमिल तीन सूरह है, कोई एक सूरह का नाम बताइए। नहीं पता। कुरान में कुल 14 सजदे हैं, आखिरी सजदा किस सूरह में? सूरह अलक में। ठीक है, फिलाजिम की इलामत क्या है? मीम। मीम। कुरान में कितनी सूरह जो है शख्सियात के नाम पर है? 37 जी। रॉन्ग आंसर। आपने देखा कि आज हमारे फाइनल राउंड में सुमैया शरीन ने 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को उन्होंने पार कर दिया, आज की ये विनर भी। आज के चीफ गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ जमील, जो कि जिक्र स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनके हाथ से हम इन्हें प्राइज़ देना चाहते हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जमील, मैं फाउंडर मेंबर ऑफ जिक्रा गर्ल्स क्रिएटिव स्कूल। फाइनल राउंड में जो पहुंचने वाली जो कैंडिडेट थी वो सुमैया शरीन थी। आज इनसे 15 क्वेश्चन किया गया था और इन्होंने 15 में से करीब करीब ऑलमोस्ट 12-13 के करीब इन्होंने आंसर दिया, 10 देना था, 10 में ये फाइनल राउंड में विनर हो गई हैं। आज इनको इसी सिलसिले में इनको इनाम भी दिया गया, एक रिवार्ड कहा जाए इनका अचीवमेंट पे शेयर किया, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए हमेशा उन बच्चों के बीच में जो पढ़ने लिखने वाले या जो नहीं पढ़ने लें, लेकिन इस लाइन से एक प्रोग्राम होने से उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगा और उनके अंदर एक तालीमी बेदारी होगी और वो इस लाइन के अतबार से जानने की कोशिश भी करेंगे कि मैं भी इस लाइन से आगे बढ़ करके कुछ अपने अंदर हासिल करूं और कहीं ना कहीं मेरा भी नाम हो अपने सोसाइटी में, अपने कौम का नाम हो, अपने मुल्क का नाम हो, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ताकि बच्चों के अंदर जो बढ़ने की जो चाहत हो, ख्वाहिश हो और कुछ करने की ख्वाहिश पैदा हो। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जनरल नॉलेज का भी प्रोग्राम होना चाहिए, इस्लामिक प्रोग्राम भी होना चाहिए और दूसरे जो रिलीजन है उनका भी अपना प्रोग्राम होना चाहिए। ये एक प्रोग्राम जो हुआ न्यूज़ 5M की तरफ से और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि मैं मोबाइल में इनका जो रोज़ाना के अतबार से जो न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, बहुत अच्छा से ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इनके तरफ से एक अच्छा कदम है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये लोग इसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिससे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस हो और मालूमात और आगे बढ़ने की ख्वाहिश और उनके अंदर बढ़े। थैंक यू।